सब लोग, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपना यूएलएक्स कॉइन कैसे विड्रॉ कर सकते हैं टोकन पॉकेट वॉलेट से। ठीक है, तो कैसे अपना टोकन पॉकेट वॉलेट क्रिएट करना है, कैसे उसमें आपने वो सारा कुछ अपना जो ओलेक्स कॉइन ऐड करना है, विड्रॉ करना है, ये सारा प्रोसीजर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। सबसे पहले आपने टोकन पॉकेट वॉलेट जो है वो आपने इंस्टॉल कर लेना है। अपने प्ले स्टोर पर जाना है, यहाँ पे आप सर्च कर रहे हैं टोकन पॉकेट, ऊपर आ गया ये, इसको क्लिक करें तो ये इसको इंस्टॉल कर लें आप। जी तो दोस्तों, टोकन पॉकेट जो है वो वॉलेट हमारा इंस्टॉल हो चुका हुआ है। इसको आपने ओपन करना है जस्ट। हाँ जी, ये देखें, ये ऑप्शन आपको मिलेंगे जैसे ही आप ओपन करेंगे, तो आई हैव एन अकाउंट और नो अकाउंट। आपने न्यू है तो आपने नो अकाउंट में जाना है, नीचे वाली ऑप्शन को आपने चूज़ करना है। ठीक है, तो ये जॉनसन, अगर आप सिर्फ एक अपना ब्लॉकचेन के ऊपर काम करना चाहते हैं तो वो सेलेक्ट कर लें, अगर आपने मल्टीपल करना है तो आप ऊपर HD वॉलेट में चले जाएंगे। ठीक है, सबसे ऊपर वाली ऑप्शन को आप चूज़ कर लें तो ये ऑप्शन आ जाएगी। ये यहाँ पे आपने सबसे ऊपर आपने कोई भी नाम रख लेना अपना। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं ओल्ट्रॉन। BSC नीचे आपने पासवर्ड सेट कर लेना है, तो कोई भी पासवर्ड आप सेट कर लें। रिपीट कर लें, हिंट में आप कुछ लिख लें या रहने दें क्योंकि ये ऑप्शनल है। तो आप आई हैव रीड केयरफुली इसके एग्रीमेंट को आपने क्लिक कर लेना है और क्रिएट अ वॉलेट कर लेना है, सिंपल। ठीक है, ये आगे आपको आई गॉट इट कर लें। अच्छा, यहाँ पे ये बता रहा है कि आगे आपको ना 12 वर्ल्ड मिलेंगे, वो आपकी असल में एक्चुअली कीज़ होंगी जो आपने बहुत ही संभाल के रखना है। जैसे ही वो आएंगे आपने नोट ऑन कर लेना है अपनी डायरी के ऊपर और उसको मैक्सिमम जगह पे आपने सेव कर लेना है, ताकि उससे ही आपका अकाउंट रिकवर होगा। अदरवाइज़ आपके सारे वो लूज़ हो सकते हैं अगर आपका वो की गायब हो जाती है और वॉलेट आपका अनइंस्टॉल हो जाता है किसी वजह से। तो वो जो 12 फ्रेजेज़ होंगे उसको आपने बड़ी तरतीब से लिख लेना है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है क्योंकि ये डिसेंट्रल वॉलेट है, तो इस वो जो कीज़ होती हैं 12 वर्ड की, वो ही आपने संभाल के रखनी होती है। तो वो आप कंफर्म कर दें ये सबको और नेक्स्ट करें। ठीक है, अब ये वर्ड आ रहे हैं। ठीक है, ये मैं आपको एक समझाने के लिए वॉलेट बना रहा हूँ, अदरवाइज़ मेरा वॉलेट है। और ये की आपने ऐसे ही तरतीब के साथ आपने लिख लेनी है अपनी डायरी के ऊपर, अपने नोटबुक के ऊपर, और मोबाइल में भी सेव कर लेनी है। इसकी आप पिक्चर ले लें एक मोबाइल से, और दूसरा ये है कि इसको अपने डायरी पे ज़रूर नोट आउट करना है। और इसी तरह आगे भी आपको इस स्टेप में आएगा कि इसी तरह आपने वर्ड तरतीब से लिखने हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट करते हैं। ये आपने नोट आउट कर लेना है। ये सबसे ऊपर जो क्यूट आ रहा है ये 1 है, स्टेयर्स 2 है, यार्ड 3 है, फिर गॉसिप 4 है, फिर 5। इस तरह ये आपने सारे अपने कॉपी के ऊपर जब लिखना है तो सारे नंबर लिख लेने हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इसको। हाँ जी, वो देखें, नीचे वही वर्ड आ रहे हैं लेकिन आपने नोट किए होंगे तो आप उस हिसाब से ही इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्यूट था, आपने क्यूट के ऊपर क्लिक करना है, ये आ गया। ठीक है, फिर इस तरह स्टेयर्स था, फिर यार्ड, फिर गॉसिप, फिर जैगुअर, फिर क्लिप, फिर काइट,
फिर जैकेट, फिर इसी तरह आपने आगे ये सारे वर्ड लिख लेने हैं। जी ठीक है, तो कंफर्म करते हैं। हाँ जी, ये देखें, ये अब आपका, ये उसने कुछ ऑटोमेटिकली क्लिक कर दिए। अगर आप सब पे क्लिक करना चाहते हैं तो सब पे क्लिक कर दें, अदरवाइज़ ये जो मेन मेन ब्लॉक चैन है उसके ऊपर उसने क्लिक कर दिया। तो बस ठीक है, इतना काफ़ी, हम इसको नीचे कंफर्म कर देते हैं। अगर अपनी मर्ज़ी से आपने कोई और भी सिलेक्ट करनी है कोई ब्लॉक चैन, तो आप उसको कर सकते हैं। और जैसे ही कंफर्म करेंगे, ये देखें, आपके वॉलेट क्रिएट हो जाएंगे। कंफर्म, आई गॉट इट। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली एथेरियम का जो वॉलेट है वो आपको शो हो रहा है, और ये लेफ्ट साइड पे साथ नीचे एक लाइन सी शो हो रही है। ये देखें, ये सारे वो वॉलेट हैं जिसको जिसको आप यूज़ करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखें, ये तो हमने BNB को यूज़ करना है। बिना स्मार्ट, ठीक है, आप सारे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे लास्ट वाला जो है वो बेनांस का है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका जो है ना वॉलेट क्रिएट हो चुका है। अब हमने इसके अंदर जो है ना वो यूएलएक्स कॉइन को ऐड करना है। ये देखें, BNB शो हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर ही आपने BNB में जब आपने अपना पैसे भेजने हैं, डॉलर भेजने हैं एक्सचेंज है, तो इसको आप क्लिक करेंगे, ये नीचे सेंड और रिसीव आ रहा है, तो आपने रिसीव का बटन दबाना है और ये आपका वॉलेट होगा। ठीक है, ये वॉलेट कॉपी करके आप बिनास एक्सचेंज से अपना फ़ंड इधर सेंड कर सकते हैं, क्योंकि हर जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें कुछ ना कुछ फीस होती है, तो कुछ ना कुछ आपको इधर डॉलर रखने होंगे जो भी आप ब्लॉकचेन यूज़ करेंगे। तो हमने BNB यूज़ करनी है, तो आप इसके ऊपर आप कुछ ना कुछ फ़ंड सेंड कर लीजिएगा। ठीक है, इसको हम बैक करते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो वॉलेट कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें आगे हमने उल्ट्रॉन ओलेक्स जो प्लेटफॉर्म है वो कैसे ऐड ऑन करना है। तो दोस्तों, अब हमने इसमें उल्ट्रॉन जो है ना मेन नेटवर्क वो इसमें ऐड करना है। सबसे पहले तो सबसे ऊपर आप राइट साइड पे जो सेकंड आपको ऑप्शन नज़र आ रही है उस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, अब सबसे नीचे जो ऑप्शन आ रही है ऐड कस्टम नेटवर्क, इस पर आपने क्लिक करना है। देखें, ये डिटेल आपने फिल करनी है, तो उसके लिए आपने जाना है उल्ट्रॉन डॉट फाउंडेशन के ऊपर। ठीक है, ये आपने उल्ट्रॉन डॉट फाउंडेशन के ऊपर जाना है। यहाँ पे आपको मेन नेट की ऑप्शन मिलेगी, ये मेन नेट मैं आपको दोबारा से दिखा भी देता हूँ इसको बैक करके। ठीक है, ये देखें, ये सारी जब आप इसमें मेनू में आएंगे, अबाउट में आएंगे, एसेट में आपने आना है। एसेट में आके आपने मेन नेट में आना है। ये मेन नेट यहाँ पे लिंक आ रहा है, इसको लिंक को आपने ओपन करना है, और ये डिटेल आ गई है, ये डिटेल आपने उधर फिल करनी है। सबसे ऊपर जो है अल्ट्रॉन मेन नेट, इसको आपने नेटवर्क नेम इसको आपने कॉपी करना है। ये कॉपी किया, यहाँ पे आपने इसको ऐड करना है, पेस्ट कर दें। RPC पे आपने ये आपने कॉपी कर लेना है, कॉपी लिंक, यहाँ पे आपने ये पेस्ट कर देना है। Chain ID ऑटोमेटिकली आ जाएगी, यहाँ पे आपने नाम दे देना है यूलेक्स।
और नीचे ऑप्शन में आपने, ब्राउज़र ऑप्शन में आपने वहाँ से ये कॉपी कर लेना है लिंक को। तो उसके बाद आपने कंफर्म करना है। नेटवर्क एग्जिस्ट, ठीक है, तो ये आपका नेटवर्क ऐड हो चुका हुआ है। ओके, अब हम चलते हैं वापस। अब हमने इसमें ओलक्स कॉइन को भी ऐड करना है, ठीक है। जी तो दोस्तों, अब हमने इसमें अपना ओलक्स कॉइन को ऐड करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये देखें, ये राइट साइड पे प्लस का बटन आ रहा है ये नीचे सर्च के साथ, ठीक है, इसको आपने क्लिक करना है। तो ऊपर आ रहा है कस्टम टोकन, ठीक है, थर्ड ऑप्शन पे कस्टम टोकन पे जाना है आपने और ऐड टोकन पे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एड्रेस लेके आना, फिर उसी वेबसाइट पे जाना है आपने, ये नीचे आप आएंगे, इधर इसको बैक कर लें, ये देखें ये सारे एड्रेस आ रहे हैं सबसे ऊपर WULX और XULX। तो सबसे जो ऊपर वाला है WULX उसको आपने कॉपी कर लेना है, ये राइट साइड पे जो दो डब्बे से आ रहे हैं, ठीक है, इसको आपने कॉपी करना है। तो यहाँ पे आपने आके इसको दोबारा पेस्ट कर देना है, तो नीचे जस्ट सिंबल में आपने क्लिक करना है। जी तो दोस्तों, इसमें आपने क्या करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बिनांस की वो अपना ब्लॉकचेन सेलेक्ट की हुई है, तो आपने क्या करना है, इसमें आना है दोबारा और सबसे नीचे आप आएंगे, ये देखें यूलेक्स टोकन ऑन अनदर नेटवर्क, इसमें आपने आना है सबसे नीचे जो ऑप्शन आ रही है बिनांस वाली, इसको आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर आएंगे दोबारा, इसको आप पेस्ट करेंगे, नीचे सिंबल पर क्लिक करेंगे, तो ये सारी डिटेल ऑटोमेटिकली वो फिल कर देगा, ठीक है। तो बस आपने इसको क्या करना है, कंफर्म कर देना नीचे, तो ये सक्सेस हो गया, ठीक है। तो ये हमारा टोकन ऐड हो चुका हुआ है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें विड्रॉ लगाना है अपने मावी अकाउंट से। तो मावी अकाउंट से जब विड्रॉ लगाएंगे तो इसमें आपके ओलक्स आ जाएंगे, ओलक्स से फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे USDT में। जी तो दोस्तों, अब हमने ये देखें ओलक्स हमारा आ चुका हुआ इधर कॉइन जो मेन नेट है। अब हमने क्या करना है, इसमें अब हमने अपना उल्ट्रॉन स्वैप को ऐड करना है। तो नीचे आपने जाना है डिस्कवर में, ठीक है, डिस्कवर में गए, सबसे ऊपर जो सर्च बार आ रही है यहाँ पे आपने उल्ट्रॉन स्वैप .com लिखना है। जी तो इसको आपने सर्च करना है। ओके, अब हम इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं अपने वॉलेट को, अल्ट्रॉन जो है स्वैप को, ठीक है। तो नीचे ये देखें कनेक्ट का बटन आ रहा है, इसको आपने वॉलेट को कनेक्ट कर लेना, कंफर्म कर देना। ओके जी, ये हमारा कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब ये देखें, ये सारी डिटेल आ गई है अल्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपल जाके विड्रा लगाना है अपने मावी अकाउंट में। तो यहाँ पे सारी ये स्वैपिंग वाली ऑप्शंस आ चुकी हुई है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम इसको वापस जाएंगे एक दफ़ा, इसकी ऑप्शंस आप चेक कर सकते हैं, ये स्वैपिंग वाली ऑप्शंस हैं। ओके, ये ब्रिज है नीचे, ओके। अब हम क्या करेंगे, अपने मावी अकाउंट में जाके विड्रा लगाएंगे। उसके लिए हमें वॉलेट कौन सा चाहिए, एड्रेस कौन सा चाहिए, इसको आप ऊपर से क्लोज कर देंगे।
और बैक करेंगे वॉलेट में आएंगे अपने दोबारा, ये नीचे सबसे लेफ्ट पे एसेट में आएंगे और यहाँ पे आपने दोबारा अपना BNB सेलेक्ट करना है। ऊपर ऑप्शन में जाएंगे, ये BSE जो उस पे आपने आना है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ के जो है ये कोई भी एड्रेस दे रहे हैं दोनों का, ये रिसीविंग एड्रेस आपने लेके अपने मावी अकाउंट में पेस्ट करना है। यहाँ पे आप कॉपी करेंगे और अब हम जाके मावी का विड्रॉ लगाएंगे। कंफर्म, अब हम अपना विड्रॉ लगाएंगे मावी के अकाउंट से। ठीक है, तो मावी का अकाउंट आपने लॉगिन करना है और ये देखें सेंटर में विड्रॉ आ रहा है, यूलेक्स विड्रॉ पे आप जाएंगे। यहाँ पे ऐड न्यू एड्रेस आप अपना वही जो इधर से आपने कॉपी किया था यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे आप एड्रेस दे दें, कोई भी नेम दे दें। यहाँ पे आप पेस्ट कर दें, ऐड दिस एड्रेस। ओके, ऐड हो गया। अब हम वापस जाएंगे, इसको विड्रॉ करेंगे, ये विड्रॉ की ऑप्शन आ गई है नीचे। यहाँ पे आप चलें हम 4 कॉइन इसको विड्रॉ करते हैं, विड्रॉ पे जाएंगे। कि जितना भी आप विड्रॉ करेंगे सिर्फ 1 यूलेक्स कॉइन आपका वो फीस होगी, तो ये बड़ी अच्छी बात है। विड्रॉ 2 फैक्टर ये आपने पहले ही लगा लेना है, मैं आपके सामने अभी लगा रहा हूँ गूगल ऑथेंटिकेटर, इसको आप ऐड करें। अब सेटअप करें, इसको आपने स्कैन कर लेना है। हाँ जी, तो ये स्कैन हो चुका हुआ है इसकी जो की है ये आपने कॉपी कर लेनी है और नेक्स्ट पे जाना है। इसको अब आपने कोड मंगवाना है ईमेल के ऊपर और इसका जो दूसरा कोड है मावी इसका 2 फैक्टर कोड। सेंड कोड करेंगे, आ चुकी हुई है। ठीक है, इसको कंफर्म करते हैं। ओके, वो एक्सपायर हो चुका होगा तो उसको हम दोबारा ऐड ऑन करते हैं। जी, तो दोस्तों ये अब एक्टिव हो चुका है वह हमारा। अब हम दोबारा विड्रॉ पे जाएंगे, विड्रॉ फंड। अब हम पहले सेंड कोड करेंगे जो ईमेल के ऊपर कोड आएगा। कोड का वेट करते हैं।
लक्ष्मण जी को उड़ा चुका है। 41 25 सॉरी, यहाँ पे आपने वही गूगल थेंटिकेटर लगाना है। थोड़ा सा वेट करता हूँ, नया कोड आ जाए तो फिर मैं वो लगाता हूँ। कोड लगाया, ये देखें जी हमारा विड्रॉ लग चुका है और यहाँ से 4 कॉइन माइनस हो चुके हुए हैं। ठीक है, अब हम अपने वॉलेट में जाएंगे। ये वॉलेट में आए तो बैक करते हैं। अब हम क्या करेंगे, नीचे डिस्कवर में जाएंगे, अल्ट्रॉन स्वैप पे जाएंगे। ऊपर सर्च बार में अपना अल्ट्रॉन स्वैप, गॉट इट। यस, ये देखें जी नीचे WULX 3 कॉइन आ चुका है नीचे बैलेंस में, आप नीचे देख रहे हैं। तो ये इतना सा प्रोसीजर है, ये फर्स्ट टाइम आप जब करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, फिर नेक्स्ट टाइम बिल्कुल इजी होगा। जैसे आपने विड्रा लगाना है, यहाँ पे आपके WULX कॉइन आ जाएंगे। इनको आपने सेंटर को, आपने जो एरो नज़र आ रहे हैं इसको ऊपर कर देना है, और नीचे जोन सा ना वो हम उसको कन्वर्ट करेंगे ULX में। ठीक है, तो मैक्सिमम हम इसको कर देंगे और इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे ULX में, स्वैप करेंगे। कंफर्म पेमेंट, यहाँ पे आपने पासवर्ड लगाना है जो आपने इस सेट किया था। ओके, तो इसकी कोई फीस नहीं है, ये जितने आप कन्वर्ट करेंगे उतने ही कन्वर्ट हो जाएंगे। जी ये देखें जी, अब ये हमारे ULX में आ चुके हुए हैं। तो अब हमने ULX में हमने इसको लेके जाना है, इसको ब्रिजिंग करनी है USDT में। ठीक है, ताकि हम विड्रॉ कर सकें अपने बिनांस एक्सचेंज में या किसी को ट्रांसफ़र कर सकें। उसके लिए आपने क्या करना है, स्वैप पे जाना है, यहाँ पे आपने इसको स्वैप करना है ULX टू नीचे USDT में। ठीक है, तो मैक्सिमम जब हम करेंगे तो ये जो आगे पॉइंट के साथ जो आ रहे हैं इसको आपने ख़त्म कर देना, सिर्फ 3 आपने करना है, स्वैप कर देना आपने, स्वैप कंफर्म। जी तो दोस्तों ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब ये देखें हमारे USDT आ चुके हुए हैं, $0.21 आ चुके हुए हैं। इसको अब हम लेके जा सकते हैं अपने बिनांस एक्सचेंज में, उसकी मैं साथ वीडियो अटैच कर दूंगा, तो सारा आपको कंप्लीट जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी, इसको आप ज्वाइन करें। ये नीचे ब्रिज है, यहाँ पे आपने USDT सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए कम से कम 12 USDT होंगे तो वो कन्वर्ट होंगे, इसलिए
मैं इसके साथ दूसरी वीडियो अटैच कर दूंगा। ये यहाँ तक जो प्रोसीजर है वो आपको समझ जाना चाहिए, आगे का प्रोसीजर बहुत आसान है, तो वो साथ ही वीडियो में अटैच कर दूंगा दूसरी। उससे आगे का प्रोसीजर जो है, यहाँ से आपने कन्वर्ट करना है USDT में, और वहाँ से फिर आप बिनांस में लेके जाएंगे, वहाँ से आप विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी सारी वीडियो मैं एक अटैच कर दूंगा या दूसरी वीडियो इसके साथ बना दूंगा, ठीक है। तो ये सारा कंप्लीट प्रोसीजर है, इसको आपने फॉलो करना है और आप अपना वर्कआउट कर सकते हैं इसमें। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।